हरियाणा सरकार की मासिक पत्रिका में छपी घूंघट में ढकी एक महिला की तस्वीर सरकार के लिए मुश्किल बन गई है। मासिक पत्रिका में घूंघट को हरियाणा की शान बताने पर विपक्ष और महिला संगठनों ने सरकार को चौतरफा घेर लिया है। दरअसल हरियाणा संवाद के मुख्य पेज पर एक घूंघट में खड़ी महिला की फोटो लगी है और स्लोगन में लिखा है, घूंघट की आन बान हमारे हरियाणा की पहचान। इस फोटो को लेकर कई संगठनों ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए घूंघट हरियाणा की शान स्लोगन को बिल्कुल गलत ठहराया है। महिलाओं और लड़कियों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर नारी को घूंघट में रखना चाहती है। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें कल्पना चावला या सानिया मिर्जा बनना है तो वे कैसे घूंघट की आड़ में रहेंगी। जींद की नारी शक्ति का ये भी कहना है कि खट्टर सरकार को इस स्लोगन को तुरंत वापस लेना चाहिए। कुछ महिलाओं का तो यहाँ तक कहना है कि जिस विभाग के अधिकारियों ने ये स्लोगन दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्लोगन को लेकर कांग्रेस ने भी हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने नारियों के घूंघट में छिपे रहने को अपनी शान बताकर छोटी मानसिकता का उदाहरण दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है और नारियों और उनकी हालत सुधारने को लेकर सरकार की क्या सोच है, वो सरकार की मैगजीन में लिखे स्लोगन ने साफ कर दिया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली खट्टर सरकार की एक स्लोगन की वजह से किरकिरी हो रही है। मैगजीन को निकालने वाले जनसंपर्क विभाग की मंत्री कविता जैन ने तो पूरी तरह से इस पर चुप्पी साधी हुई है। देखते रहिए डीबी लाइव।